अगली बार आओगे तो, अगली बार आ रही हो तो तुम यहाँ पे रहो। कई बार हमसे भी मना कर चुके। अच्छा अच्छा, फिर कौन सा बनना है? बाथरूम 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 अरे उधर क्या करोगे आपको? सपना पूरा हुआ भाई, सपना पूरा हुआ। ये मेरी मम्मा है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। हाँ ये हम लोग सीधा डल लेक से होते हुए यहाँ शिकारा आई है हमारी, यहाँ से हम सीधा अंदर आए और यहाँ पूरा का पूरा मोहल्ला है अंदर आके। तौफीक भाई हमें अपने ही घर ले आए हैं। समान ने बोला था मुझे ऐसे किसी के घर ले चलो जहाँ चाय पी सके। तौफीक भाई ने बोला कि अब किसी और के घर में, कहा अपने घर में ले चलता हूँ। कितनी प्यारी है यार, कितनी प्यारी है। हाँ जी, इनके घर आ गए हम लोग। अरे वाह, सर्दी में हो? अरे बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी हो। हाँ जान जानते आप लोग रहते हैं आप लोग इतना ठंडा में? अभी भाई क्या पूरा कालीन बिछा उछा कर बिना ठंडा सब कुछ ठीक हो? बहुत बहुत खूबसूरत आंटी, बहुत सुंदर हो। ठीक हो भाई? दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। मम्मी देखो, मैं कंबल वगैरह सब उड़ा रहे हैं। ये बहुत 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 ठंडा है भाई यहाँ पे। अरे वाह, आंटी हमारे मियाँ 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 आ जाओ। बहुत सर्दी, बहुत सर्दी अंदर, कुछ ज्यादा ही सर्दी। इधर आ जाओ ना। मैं ना आंटी जा रही है, मेरे को लग रहा है कोई चाय वाय ना बना दे, मैं खुद जाके मैं करके आती हूँ चाय का इंतजाम। मेरे को चाय और कुछ नहीं चाहिए बेटा, मैं जा रही। मैं भी चलता हूँ। आ जाओ आ जाओ आंटी। अरे अच्छा, अंगीठी जला रही है मम्मी। अरे अंगीठी जल रही है, अंगीठी लाई है। अरे वाह वाह वाह, चलो इससे ना क्या होता है, ये हम शादी में ज्यादा यूज करते हैं। शादी में फायर पॉट ना, इससे गर्मी। कंबल हटा देते ना, कंबल हटा दो, इसके ऊपर रखिए तभी गर्मी होगी। दिखाना मम्मी जरा, दिखाना कैसे रखी अंगीठी। अंदर अंगीठी रख दी है, गर्म हो रहा है। चलो ढकलो ढकलो ढकलो, गर्म कर दिए, ढकलो। मेरे हिसाब को बता दूंगी, आप आओ तो इनको समझा दोगे कि क्या चाहिए। ये मेरे बहुत सालों का सपना, तुम लोग समझोगे नहीं मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये ढूंढ रही थी मैं। हाँ। अब तुम समझे? हाँ। ये मेरे बहुत सालों का सपना है जो पूरा हुआ है। पूरा भी हो गया, ये पूरा हो गया मम्मी। ये मेरा सपना था, इतने सालों का सपना पूरा हुआ है। हाँ पापा, मेरे सच्ची में, मतलब अगर मैं ये बात बोल रही हूँ तो मेरी बात मान जाओ, मैं मजाक नहीं कर रही। लोग भी इतने अच्छे मिल गए, इतना पकड़ पकड़ के अपना प्यार कर रहे हैं। मैं देखती थी ना, मैंने बचपन में फिल्में देखी थी और मेरे को यही सब याद था। किचन में आ गए। अरे वो आंटी अभी लेके आई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये था वो जो लेके आई है। तो किसी घर में बच्चा होता है तो ये देते हैं। कभी घर जाना होता है या शादी के बाद जाते हैं ना, फिर वापस फिर उसको लेने जाते हैं। ये खुशी का होता है, तो इन्होंने लेके आए हैं। अरे वाह, अभी आपको टेस्ट भी कराएंगे। कह रहे हैं मेरे का अदरक है, तो कह रहे दूसरा घर, मतलब दूसरे के घर में है वो, वहाँ से आएगा अदरक। दूध? लेकिन मेरे हिसाब की चाय बन रही है। दूध मैं बताएगी, मैं डाली नहीं, चक्कर नहीं चीनी। मम्मी पापा के लिए तो चाहिए ना? मम्मी पापा के लिए बाद में चीनी डालेंगे। फेरन मैं फेरन वो क्या, मैं शायद कहना चाह रही है कि तुम ये पहनो। अब तुम पहना, मुझे अदरक मिल गया। ये पिसान अच्छा, ये लेकिन भाई आप पूरा दिन काम करते हो, मम्मी घर पे रहती है। आज शादीशुदा? हाँ शादीशुदा। हाँ तो बीवी किधर है? वो मायके गई। मायके गई? अच्छा,
आप लोग क्या आ रही है, मजा आ गया अंगीठी में? मजा आ रहा है क्या? पूरा गर्म हो गई है, एकदम गर्म कर रखा। देखो ऐसा प्यार मिलना बहुत मुश्किल है सच। आप कहीं भी जा रहे हो, आप लाखों रुपए लुटा लोगे ना तो भी ये जो प्यार मिला ना हमें ये नहीं मिल पाएगा मम्मी। और सच बता रही हूँ, हम लोग बहुत लकी है कि हमको इतना प्यार मिला है। देखो ऐसा बंदा मिला जो अपनी बोट में, मैं कह रही हूँ हमें किसी के घर ले चलो, वो अपने घर लेके आया हमें। ये कितनी बड़ी बात है, कौन ना तो शायद कोई बोलता होगा ना ही कोई लाता होगा। मैंने ये बार बार रिक्वेस्ट करी और वो अपने घर में लेके आए और आपने प्यार तो देख ही लिया। इतना शरीफ बंदा मिला है, अभी ना बताए ले, सरप्राइज दिए। हाँ वाकई सरप्राइज दे दिया। और ये देखो अंगीठी अंदर जल रही है और यहाँ पर जो है ये कपड़ा बिछ चुका है जिसपे खाना सर्व किया जाता है। केक आ गया थोड़ा सा, अभी हमारी चाय भी आ रही है। ये तो आपकी मेहरबानी, आप हमारे घर आए। क्या बात कर रहे हो भाई, क्या बोल रहे हो सर आप? आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है। क्या बोल रहे हो, ये आपकी मेहरबानी, आप हमारे घर आए, खुश कर दिया हमारा। थैंक यू तौफीक भाई। पी के देखो कैसी बनी है। मेरी तो बहुत अच्छी है। एक ही साथ सारी मेरी, क्या फिर सबकी अच्छी होगी ना? नहीं मेरी इसमें, मैंने अपनी निकाल के फिर सब ना, मामा ने वो दूध थोड़ा सा ऐड किया और अच्छा, तो उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने बोला थोड़ी सी तीखी है, ये नहीं पी पाए। हाँ तो अच्छा, हमारी पसंद वाली चाय बनी। आंटी नहीं, हमको मना नहीं करना, नहीं मना नहीं करना। ना, ना। भाई आपने इतनी खुशी दी है ना हमको, आपको मालूम नहीं है हमको कितनी तो, खुशी दी आपने। तो आप इधर आए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। ये तैरते तैरते उधर चली गई क्या शिकार अपने आप? अच्छा अच्छा, कह रही है होटल नहीं रहना, होटल नहीं रहोगे तुम, अगली बार आओगे, अगली बार आ रही हो तो तुम यहाँ पे। कई बार हमसे भी मना कर चुके। अच्छा अच्छा, फिर कौन समझ में आया? बाथरूम बाथरूम सब बाथरूम सॉरी, बाप रे बाप, हमें ध्यान से कुछ नहीं होगा सर, कोई नहीं। चलो अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। ये तो गजब का एक्सपीरियंस था है तौफीक भाई का घर जाने वाले। हम लोग सबसे पहले पूछे थैंक्स बोलो, हम लोग को ये कहाँ से मिल गया, तो बोलो मिल सकता था। लेकिन ये देखो देखो कितना अच्छा नाव चला रही है आंटी। आंटी नमस्ते, वो देखो चला के जा रही है बगल में, पहली फीमेल शिकारा राइडर। घर में जितने मेंबर है सभी लोग बोट चला लेते हैं, हर कोई चला। यहाँ पे बच्चा जब 3 साल का 4 साल का होता है, 4 साल का, उसको पहले तैरना सिखाते हैं, स्विमिंग सिखाते हैं, उसके बाद उसको लेके जाते हैं साथ में बोट में, छोटे से बोट में छोटा सा पैडल देते हैं ऐसा जो हमने रखा है वो छत में, तो वो खुद ब खुद ही चलाना सीखता है, फिर वो खुद ही चलाते हैं। मैं ये जरूर बता सकती हूँ, इतने टूरिस्ट यहाँ पे आए होंगे, कितने भी लोग आए होंगे, ये जो एक्सपीरियंस जो हमने लिया ना, ये आई एम सॉरी टू से किसी को नहीं मिला होगा, है कि नहीं मम्मी? ये एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता, ये प्यार नहीं मिल सकता मम्मी, ये मिला है, ये नहीं मिलेगा, है ना? लाखों रुपया दे दोगे नहीं मिलेगा। कहीं तो बहू की तारीफ करो इस बारे में, आपकी वजह से हुआ, आपने बोला और लिया, बोलते ही तारीफ करना शुरू कर दिया। ये कहाँ से आपको याद था, कौन सी फिल्म देख के? पता नहीं बाबा, बचपन में देखी थी फिल्म, तब से रट्टा लगाया थी मुझे जाना, तब से मेरा ये था दिमाग में कि कश्मीर ऐसा होता है और कश्मीर के लोग ऐसे होते हैं। कश्मीर की कली कहा पिक्चर थी मेरे को नहीं पता अविनाश, मैंने देखी है भाई। और मैं यही बोल सकती हूँ कि भाई यही मैंने ना सोचा था, मेरे को कश्मीर मतलब यही पता था। यहाँ हमने अपनी शिकारा रोक दी है और फिर से अंदर आए कुछ देखने के लिए। ये वाला जो था इनके साथ का बेस्ट था, तौफीक अच्छा है। ये सब लकड़ी का है, ये सब लकड़ी का है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा आपको ये भी दिखा दे। तो ये जी इनकी पूरी यहाँ पे शॉप है, जो हम लोगों को जैसे हम लोग शिकारा से उतरे तो एक जगह हमें मालूम पड़ी, ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम से ये चला रहा है। अच्छा, है वो उनके बेटे हैं और ये काम है। अभी आप देखो मैडम, ये देखिए, ये मतलब अच्छी चीज तो नहीं है, ये सिगरेट के लिए है, मतलब अच्छा। हम दिखाते हैं कस्टमर को। अच्छा, हम पहले इसमें 240 सिगरेट डाल के रखते हैं इधर से। अच्छा, अब कोई जब स्मोकर आता है इसको ऐसे करके
मम्मी ये देखो अभी ये सिगरेट है ना, दोबारा करना दोबारा करना, ये इसके अंदर होती है, इसके अंदर होती है। तो फिर कोई भी आता है, कोई भी आता है तो उसको ऐसे निकालिए, आप दे सकते हो, ये कौवा आपको दे देगा। ये ना ट्रिक एंड लॉक है, आप इसको कहीं से भी खोल के दिखाओ खुलेगा नहीं। अच्छा, तो इसकी छोटी सी ही ट्रिक है। मैं भी इसको हम बोलते हैं बिना चाबी के लॉक, बिना चाबी के लॉक। कैसे कि मैं वही बोल रही हूं, बोल रही हूं बेटा लॉक है। हां इसी में है, मैंने देखा है लॉक इसी में। कोने पे बटन तो नहीं है, कोने पे कोने ये तो कुछ तो क्या, यहां यहां कोने में कुछ है, कहीं कुछ है दिखाना। ये है सर। हां हां उसके ऊपर उस तरह। ओह इतना सा था, इसको खाली वापस ऐसे में बंद करेंगे, ये खुल नहीं पाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि चोर बेचारा परेशान हो जाएगा। हां लॉक किधर है? अच्छा बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, अद्भुत। अरे तौफीक भाई किधर हो, नाव चली गई। बिना तौफीक भाई के जा रहे थे हम, शिकारा में शिकार हो जाते। बहुत ठंड बढ़ गई अब ये देखो ना, भाग लो तो, अब तो भाग लेते हैं। बहुत हो गया घुमक्कड़ी भैया, लेकिन ये मजा आया बहुत। तो जी हम लोग आ गए हैं वापस और अब हम लोग होटल में चेक इन करेंगे, फटाफट होटल पहुंचते। और आज की भी राइड हमारी कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि हमें हाउस बोट भी देखनी थी, लेकिन अंधेरा हो गया। मुझे वो ना ड्रेस वगैरह कश्मीर की ड्रेस पहननी है, तो वो कल करेंगे। कल हमने भाई को बोल दिया, तौफीक भाई को, तो वो कल करा देंगे हमें। और मीनवाइल अभी हम लोग सीधा पहले होटल में मिलते हैं हम आपको, चलो। देख लो जी लोग यहाँ पे एक्चुअली अपना लगेज वगैरह सब लेके, ये देखो लगेज लेके और हाउस बोट में चेक इन कर रहे हैं। बट हमने ऑन पर्पस ये नहीं किया, बिकॉज वी डिडंट वांट टू डू। हम लोगों को हाउस बोट में नहीं रहना था, लेकिन हाउस बोट का एक्सपीरियंस जरूर करेंगे, लेकिन कल। तो हम लोग कम्फर्टेबल होना चाह रहे थे, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अनकम्फर्टेबल होगा, लेकिन हम लोगों को देखना था, ये वाला एक्सपीरियंस नहीं करना था हमें। जी हम लोग पहुंच गए फाइनली अपने होटल, और यहाँ से गाड़ी से उतर, क्या पहले लगेज उतारना है? लगेज के चेक, आप बैठो गाड़ी। अच्छा लगेज अलग उतरेगा? फिर हाँ अलग उतरेंगे गाड़ी में, दो मिनट और दोस्तों। जी ये हम लोग पहुँच गए होटल और हम लोग एंटर कर रहे हैं। कितनी छोटी गाड़ी है जिसमें हमारे लगेज जा रहा है, छोटा सा टेम्पो, क्यूट सा, कितना क्यूट टेम्पो। हमारा चेक इन हो गया और मम्मी बग्गी में जाना पड़ेगा, वो हमारे जो कॉटेज है वो दूर है यहाँ से, तो यहाँ से पैदल चल के नहीं जा सकते, कॉटेज में बग्गी में जाना पड़ेगा। बग्गी आ गई, बग्गी की गाड़ी, बग्गी बग्गी में जो ठंड लगेगी, ठंड लगेगी, ठंड का ही तो मजा है, डूबे ठंड का ही मजा है, डूबे दुबई में डूब गया, डूबे डल लेक में डूब गया। मम्मी इसमें जाना है हवा खाते हुए, कान वान ढक लो खुले में। मम्मी आगे बैठोगी नहीं तो उल्टी आएगी। खाने के लिए इतना दूर आना पड़ेगा हमें? हाँ पीने के लिए इधर ही आना पड़ेगा। हाँ पापा बहुत दूर आना पड़ेगा, तब तो खाए बिना सो जाएंगे। हम तो नहीं आएंगे, वहीं सो जाएंगे। अच्छा वहाँ तक ले आएंगे तब तक ठंडा ही हो जाएगा। मुझे लग रहा है गुलमर्ग में बर्फ पड़ गई है, वापस चले पता करते हैं। चटक क्यों लग रहे हैं? तो जी ये रहा हमारा रूम। अच्छा अच्छा एक नीचे एक ऊपर है, तो हम लोग ऊपर जाएं? आप जाओगे ऊपर? अगर आपको ऊपर जाना है ऊपर जाओ, नीचे अंदर से भी स्टेयर्स है ना? नहीं सर बस अंदर से स्टेयर्स नहीं है, यहाँ से जाना है पहले, फिर मम्मी पापा को छोड़ के आते हैं। आ जाओ। अरे गरम गरम एकदम। तो जी ये रहा रूम हमारा, ये रहा मम्मी पापा का रूम, एंड इट्स ब्यूटीफुल रूम, बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत रूम है। और अगर बाहर से देखें तो बाहर का क्या व्यू है जी, अच्छा डल लेक है पूरा। ओ हो अच्छा, अरे बाप रे इधर तो रूम भी ये बहुत बड़ा है भाई। ओ दिस इज सो स्वीट, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ। अरे यार दिस इज सो स्वीट, आप लोगों को पता था मेरा बर्थडे है? और ये अच्छा यहाँ से ऊपर का व्यू है पूरा, आपको रात को दिख नहीं रहा होगा लेकिन बहुत खूबसूरत व्यू है। इधर से कैमरे से नहीं दिख रहा बट आपको आई थिंक मैं कल सुबह दिखाऊंगी, और बहुत खूबसूरत व्यू है। मम्मी इसमें ना गर्म पानी में, गर्म पानी भर के आप लेट जाना थोड़ी देर इसके अंदर। हाँ, लेट रहे हैं अभी नहीं लेते हैं। अरे महंगा नहीं है भाई, इसको गर्म पानी से भर के इसमें लेट जाना है पूरा, और लेटे रहना है आधा पौना घंटा, मजा करना है। बाहर गार्डन है, गार्डन के आगे डल लेक है, गार्डन है आपका भाई, आपके रूम में गार्डन है, देखी कि नहीं?
बाहर घास का गार्डन है, बालकनी खोलो। अभी इस टाइम नहीं, कल दिन में खोल के देखना। चलो अब लोग ठीक गए हैं तो क्या ठीक से एसी में एक बेड डाल दिया होता Did you get your birthday decoration? मम्मी इधर आओ, ये देखो, इधर देखो क्या किया है, बर्थडे के लिए किया मेरे देखो कैसा लगा रूम मम्मी? बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बड़ा है। मैं तो बाथरूम को ही घर समझ रही हूँ, इतना बड़ा बाथरूम। बाथरूम एक्चुअली बहुत बड़ा है, जितना रूम बड़ा नहीं है ना उससे बड़ा बाथरूम है शायद। ये तो पहले उसी में घुस गई तो मैं कह रही हूँ तो घर नहीं है, हम तो उसी में रह पाते हैं बाथरूम में। इधर आओ, इधर आपकी चीज दिखाओ। ये बालकनी है, सामने डल्ले का, और ये नीचे आप लोग का है। देखो गार्डन नीचे आपका है, ये पूरा गार्डन है, और इसके नीचे ऐसी कुर्सियां रखी है, वहाँ रखी है ना उस तरफ। लेकिन ऊपर से ये व्यू है, कैसे रास्ते ये पूरा श्रीनगर का व्यू है, और डल्ले के अभी रात है तो पता नहीं चल रहा है। तो जी हम लोग हो गए हैं डिनर के लिए रेडी, और जा रहे मम्मी पापा के रूम में धावा बोलने, तब तक हमारी बग्गी आ जाएगी और हम लोग फिर जाएंगे डिनर के लिए। बहुत ही अर्ली डिनर है, बट देन ठीक है, इधर तो कुछ और है नहीं करने के लिए। क्या कर रहे हो? हाँ जी पापा, गुड इवनिंग। अरे गुड इवनिंग। अब मम्मी पापा तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाले, वो लोग आ गए हैं घूम घूम के, ये दोनों घूम घूम के आ गए हैं, अब वो कहीं नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। तो जी थोड़ा सा रेस्ट करके हम लोग आ गए हैं डिनर करने के लिए। फटाफट डिनर करेंगे, रूम में जाके बच्चन करेंगे, कोजी होंगे, फिर अपने अपने रूम में जाके सो जाएंगे। जान में जाना ये जी, यहाँ पे हमारा खाना आ गया है, सम रोटी की बास्केट, कड़ी माय फेवरेट। ये क्या है? एग करी है, एग करी है ना, और ये आलू मटर क्या है? आलू मटर, आलू मटर, आलू मटर। चलो जी शुरू हो जाए, और भी तो कुछ मंगाया था ना, और एक पनीर, हाँ पालक पनीर, ये राजी पालक पनीर, एंड लेट्स स्टार्ट। अभी एक और क्या, और क्या मंगा? अच्छा राजमा, ये राजमा भी मंगाए थे, भूल गए। बहुत सारी चीजें, एक दो तीन चार पांच मंगवा ली चीजें, आफ्टर लॉन्ग टाइम राजमा। अब ना कड़ी बोलती कुछ और हूँ, खाती कुछ और हूँ। कड़ी अच्छी है, नमी कड़ी अच्छी है, देख के लग रही है सॉफ्ट है। तो जी मेरा दोबारा से बर्थडे मन रहा है, और मेरा बर्थडे अब जब तक मैं यहाँ रहूंगी मेरा बर्थडे मनता रहेगा। थैंक यू, थैंक यू। अब लगा ना कि कुछ हुआ है। अरे जा कहाँ रही हो, इधर आओ, मैं अब केक तो खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। अपने हाथ से कुछ जी, खाना खा के हमने डिसाइड किया कि हम बग्गी नहीं लेंगे, हम पैदल जाएंगे अपने रूम तक, जो कि बहुत ही गलत डिसीजन था। मम्मी कह रही हो ई रिक्शा वाला कहाँ गया बग्गी को, वो ई रिक्शा में हमें छोड़ता था तो जल्दी आ जाते थे। अगला है, नंबर क्या है? अगला 1234। कहाँ जा रहे थे? अभी उल्टा आना पड़ता, पता है तो वही तो कह रही हूँ, तुम लोग देखते रहो, यही तो बोली हूँ, देख लो। उल्टा आना पड़ता ना तो मैं इसीलिए तो मैं बार बार पूछ रही हूँ कि उल्टा ना आना पड़े। एक तो ऐसे ही ठंडा है, लेकिन लग नहीं रहा, खा के आए ना तो शरीर गर्म है, खा के शरीर गर्म। तो जी मम्मी पापा जाएंगे अब नीचे और हम जाएंगे ऊपर, ठीक है? चलो गुड नाइट। बैठ नहीं रहे क्या? गुड नाइट कर रहे हैं, चलो चलो जा रहे हैं क्या? सो रहे हैं? नहीं चलो, बस कुछ चलो, बैठ जाते हैं ना, लोगों को तो गुड नाइट बोल दो कि नहीं, क्यों गुड नाइट बोलना जब हम नहीं कर रहे। तो पापा चाबी ले गए थे, किसके रूम की ले गए थे? अपने की।